वैसे जी तो एकदम समझ लीजिए कि भाजपा को जिताने के लिए आ रहे हैं। कहाँ हैं? बस वो कहना है कि राष्ट्रीय स्तर का मुसलमान कटुआ है, कटुआ वोट काटने के लिए आ रहे हैं। कटुआ कह रहे हैं कि मुसलमानों कोई बात नहीं करता है, मुसलमानों को वोट ले लेते हैं। अच्छा भैया, मुसलमानों को 20% इकट्ठा करके 80% हिंदू एक हो जाएंगे तो क्या ये सरकार बना लेंगे, ये बताइए। हम बिल्कुल हमको धोखा दे रहे हैं वैसे जी। आप ये तो बहुत पॉइंट की बात कर रहे हैं कि 20% कुछ नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी उनको ला रही है या क्या? हमको तो लग रहा है, अब क्या बात है अंदर तो ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन मन में तो लग रहा है। लेकिन ये भी मानते हैं ना कि राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व तो करते हैं, आवाज़ तो उठा रहे हैं ना। अरे आवाज़ उठाने से क्या होता है, आवाज़ तो बहुत लोग उठाते हैं। आवाज़ तो बहुत लोग उठाते हैं। अच्छा, अपने यहाँ यूपी में एक आजम खान नेता थे, जेल में वो भी बंद हैं। हाँ, तो उनके साथ तो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? हाँ बिल्कुल गलत हो रहा है। मुसलमान नाते उनको परेशान किया जा रहा है। तो अगर आजम खान मिल जाए, अगर अवैसी आ जाए, दोनों में कौन किसको बेहतर आप मानते हैं? भाई वैसी तो आजम खान बेहतर है वैसी। तो देखिए भैया अभी हैं, अवैसी के नाम सुनते ही लोग भड़क जा रहे हैं और बता रहे हैं उनको कटवा की, ऐसा क्या कर रहे हैं आप, कहना चाहेंगे? नहीं, वैसी के लिए तो कोई नहीं है। हाँ। ये सिर्फ एक हवा बनाई जा रही है मीडिया द्वारा कि वैसी मुसलमानों के नेता, वैसी ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 2014 से पहले वैसी कहाँ थे? 2014 से पहले आप वैसी का नाम सुने थे? नहीं सुने थे। कहाँ थे वो वैसी? और जो तेलंगाना वहाँ हैदराबाद में जितने विधानसभा हैं ना, कितनी सीटें इच्छा दिया दें बता रहा हूँ, तो वहाँ आप सिर्फ 8 सीटों में चुनाव लड़ते हैं और दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो 100 सीट चाहिए, 35 सीट क्यों? लेकिन टारगेट पे तो वो वैसे ही रहते हैं किसी को तो टारगेट उनको किया जाता है ना। मैं कह रहा हूँ कि मही अगर आपको मुझको हाईलाइट करना है, मुझको बार 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 मुझको ढूंढते, आप मुझसे बाइट लें, मुझसे सवाल किए, तो मैं हाईलाइट हो गया, लोग मुझको जाने लगेंगे हाँ ये आता है, तो वैसे ही तो उनको लाया जा रहा है बार बार मीडिया में। लेकिन ये भी बात है कि जब आजम खान की बात होती है तो कोई नहीं करता, वैसी बात करते हैं। मुख्तार अंसारी के पक्ष में बात वैसी करते हैं, अतीक अहमद की पत्नी भी वो उनसे जुड़ रही हैं। अरे तो ये बताइए, वैसी वो तो चाहते हैं कि जितने मुस्लिम नेता हमारे में आ जाए और वो आने के बाद सारी पार्टियाँ, अच्छा ये अभी जो बताएं कि 120% मुसलमान हैं और 80% हिंदू हैं, ठीक है मान लिए हम 20% एकजुट हो गए, वैसी के साथ हम चले गए, अगर हिंदू में अगर 20% भी अगर हट गए तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी नहीं, कभी नहीं बनेगी। उस 60% में एक तरफा हो गया वोट दे देंगे तो क्या दिक्कत है? तो और वो अगर 5-10% 20% अगर इधर होते हैं तो हमारे अगर 10% इधर हो जाए तब भी हमारी कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा ही होता चला आ रहा है और ये भी होगा। ये काम इसमें तो बीजेपी ने अच्छा किया, संगठित किया। हाँ तो वही चीज़ तो उसका फायदा, वो लाभ उठा रही है जो की है भाई भाजपा ने, उसका लाभ उठा रही है। तो वैसी के लिए तो कोई नहीं है, वैसी जीरो है। अगर मुस्लिम का नेता बने करते हैं कि हमें उसने मुस्लिमों को भागीदारी दे पार्टियां, ये बताइए कि हिंदुस्तान में एक सेकुलर नाम की चीज़ होती है, ठीक है ना? तो सेकुलर का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ मुसलमान को लेके चलें और दूसरे हिंदू को लेके चलें, तो सेकुलर तो है नहीं कुछ। सेकुलर नाम की चीज़ तो कोई बची नहीं। सेकुलर तो तब बचेगा जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पूरे हिंदुस्तान को लेकर चलने की बात करेंगे, तब ना हिंदुस्तान बचेगा।